नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर मेरे साथ हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार अनुराग जी। आलोक जी, पहला सवाल बड़ा टेढ़ा है, आपका टिकट काटा गया, कहीं कोई पीड़ा? बिल्कुल नहीं। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपको यह बात बता रहा हूँ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी सांसद बनूंगा या कभी पार्षद भी बनूंगा। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व मुझको दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे बिना बताए ही दिया, चाहे मैं पदाधिकारी बना हूँ चाहे मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ। कॉलेज के जीवन में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तब शालिग्राम जी तोमर और शिवराज जी के नज़दीक आया, दीपक जोशी जी के नज़दीक आया, तब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते युवा मोर्चे में जुड़ा। जब पहली बार मैं युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष बना, तब मेरे पिताजी ने जरूर ऑब्जेक्ट किया था कि कहाँ ये राजनीति के चक्कर में पड़ रहे हो, नौकरी करो और अपना जीवन आसानी से। हाँ, सामान्य तौर पर कायस्थ परिवार निश्चित रूप से नौकरी पेशा होते हैं, लेकिन धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे विश्वास किया। तीन बार युवा मोर्चे का महामंत्री बना, युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, पार्टी का महामंत्री बना, पार्टी का अध्यक्ष बना, इन बिटवीन दो बार पार्षद रहा। फिर पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के बाद जब मैं कार्यालय मंत्री बनाया गया, तब जब मुझे सूचना मिली, मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा काम पार्टी मुझसे कराने जा रही है। नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही भैया। आपका परफॉर्मेंस बहुत पुराना था, ठीक ठाक था, अच्छा था, आप बेहद लोकप्रिय थे, फिर अचानक लाके साध्वी को टिकट देके प्रज्ञा सिंह को जिस तरह से लाया गया, यदि वो पचा नहीं। राजनीति की यदि परिभाषा को हम समझें, तो मेरे को लगता है कि जिस निमित्त मैं राजनीति में आया था, उस निमित्त काम करने का मुझे अभी अवसर मिला है। चुनाव तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि मैंने दिलों को जीता है। और वस्तुतः मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं नया नया सांसद बना था और विदिशा में हम जनप्रतिनिधियों की एक वर्ग लगा था, उसमें आदरणीय कृष्ण गोपाल जी आए थे, तब उन्होंने एक प्रश्न हमारे सामने रखा था कि जब आप सांसद नहीं थे, जब आप विधायक नहीं थे, जब आप पार्षद नहीं थे, जब आप पदाधिकारी नहीं थे, आप क्या सोचते थे? अमूमन सभी ने कहा कि हाँ, हम सोचते थे कि हम ये बन जाएँ। तब उन्होंने दूसरा प्रश्न खड़ा किया था कि लेकिन आपके पहले जो सांसद है, आपके पहले जो विधायक है, यदि उसने ना छोड़ा होता तो क्या आप बन पाते? तो निश्चित रूप से सबने कहा कि नहीं बन पाते। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आपके लिए छोड़ा है, तो क्या आप किसी के लिए छोड़ने को तैयार है? क्योंकि नीचे के और लोग भी चाहते हैं सांसद बनना। वो बात मैंने अपनी डायरी में नोट करी हुई थी, वो आपने वो मुझे काम आई, मैं बता रहा हूँ। चूंकि वो ठीक है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है, हमें से आशय मीडिया को भी और जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं और जो भाजपा के लोग हैं, कि आलोक संजर अगर दिग्विजय सिंह से चुनाव लड़ते तो परिणाम क्या होते? मैं बताऊं आपको, जब पहली बार जब मुझे टिकट सांसद का मिला था, तब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और आदरणीय अरविंद मेनन जी, तीनों ने मुझे बुलाया था। और मैं घबराया हुआ था कि मैं इतना बड़ा चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये करोड़ों का चुनाव होता है, लाखों रुपये खर्च होते हैं लोगों के, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब नरेंद्र सिंह जी, तोमर ने, शिवराज जी ने, दोनों ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आरोप तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ये बात भी मेरे घर कर गई थी कि मैं चुनाव नहीं जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो वस्तुतः अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ी और वही जीती है, और इसलिए मेरा सौभाग्य रहा कि परमात्मा की ऐसी स्थितियाँ नहीं थी ना कि आपका टिकट काटा जाता। मैंने कहा ना कि राजनीति में यदि इसकी परिभाषा को हम समझेंगे, देखेंगे तो अप एंड डाउन। तो मैं अपना पर्सनली आकलन बताऊँ, मैं जितना आलोक संजर से आपको समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, और जितना भोपाल को जान पाया हूँ, अगर दिग्विजय सिंह वर्सेस आलोक संजर चुनाव होता तो कम से कम 4 लाख वोटों से आप जीतते। मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव हुआ है, और ये निश्चित रूप से भोपाल का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। मैंने कभी कोई चाह रखी नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना भी यही करता हूँ कि परमात्मा मुझसे काम करवाए। ये सहजता ही तो कहीं भारी नहीं पड़ गई आपको? मेरे को लगता है कि हुई है वही जो रामरुच राखा, जो भगवान को मंजूर है वही होता है। तब ईश्वर की कृपा मुझ पर थी, तो सारे लोगों की भगवान ने बुद्धि वैसी कर दी थी कि मेरे पक्ष में वातावरण बन गया था। और वर्तमान में ईश्वर की कृपा थी नहीं थी, ईश्वर की कृपा कहीं और जा रही थी तो उसके पक्ष में वातावरण बन गया। भगवान से लड़ने के लिए तो क्या करोगे आप? आलोक संजर होने की ये भी खूबी है कि जाही विधि रखी राम, ताही विधि रही। तो आलोक जी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में कहीं इस दौर में अनुभव हुआ होगा कि कुटिलता जो है या छद्म जो है वो बड़ी तरक्की करता है। मैंने अपने अनुभव से यदि कहूँगा अनुराग भाई, तो जो लोग
कुटिलता की राजनीति करते हैं, उनको तात्कालिक तो सुख मिलता है लेकिन दूरगामी परिणाम बड़े घातक होते हैं और वो कहीं के नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज जरूर होते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग कुटिलता करने वाले लोग हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और या होते रहेंगे। लेकिन जो संगठन हित में जो काम करेगा, जनहित में जो काम करेगा, राजनीति को जिसने सेवा नीति में परिणित किया हुआ है, उसके लिए कोई दुख नहीं है। आपको अचानक मालूम पड़ा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपको बुला के कहा गया था कि आप लड़ेंगे, आपको विश्वास नहीं हुआ था। इस बार कब ऐसा हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? 16 तारीख को मेरे को ऐसे सूचना मिली थी कि आदरणीय साध्वी जी का नाम मेरे को जानकारी में आया, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 16 तारीख की शाम को ही साध्वी जी को फ़ोन करके कहा कि आप अकेले नहीं हो, आपका भाई आपके साथ है। और 16 तारीख को ही मैंने शाम को एक व्हाट्सएप पे उनको शुभकामना संदेश भेजा था। तो मैंने अपने परिवार के लोगों को ही बोला था कि सकारात्मक रहना, कोई नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस संगठन ने हमको दिया है, इस भोपाल ने हमको दिया ही दिया है। क्योंकि हम बहुत ही साधारण परिवार के थे, मेरे पिताजी नौकरी करते थे, माताजी स्कूल में टीचर थी, हमको इस भीड़ में हम लोग गुमे हुए लोग थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको पिक कराया, बाहर निकाला है। तो इसलिए मैंने सबको बोल के रखा था कि हम सारे मित्रों को, मेरे अपने कार्यकर्ता मित्रों को भी बोल के रखा था कि जो भी संगठन निर्णय करने वाला है उसको सहज स्वीकार करेंगे, पूरे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। कहीं कोई दुख नहीं? ईश्वर जानता है मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं आज ज़्यादा सुखी हूँ। आप ज़्यादा सुखी हैं, लेकिन भोपाल के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं। नहीं, और वो ये बात भी कहते हैं कि अगर हमने साध्वी को जिताया है तो हमने साध्वी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी साहब को जिताया है, मोदी के लिए वोट दिया है। और ये भी हकीकत है, तमाम सारे सर्वे आए बीजेपी के, दूसरी पार्टियों के, कि अगर साध्वी बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमानत जब्त हो जाती। देखिए अनुराग भाई, पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया था, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी। और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि तब भी आलोक संजर को वोट नहीं दिया था, तब भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को ही वोट दिया था। लेकिन इन 5 सालों में जो काम करने का मुझे अवसर मिला, लोगों के मुखों में प्रणाम करता हूँ, सबका ऋणी हूँ मैं। लेकिन मैं साध्वी जी के संदर्भ में भी यही कहूँगा कि अभी उनको अभी चुनाव जीती हैं, हो सकता है कि 5 साल के बाद आप देखो बहुत अच्छे नेचर वाली महिला है वो, और हमारी बहन है, और निश्चित रूप से भोपाल के हित में बहुत अच्छे काम करेगी। ये हैं आलोक संजर, जो अपना सुख भी छुपा लेते हैं और दुख भी छुपा लेते हैं। आलोक जी जैसे लोगों के लिए ही शायद ये लिखा गया है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल के देखो। आलोक संजर से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बेबाक बात में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भोपाल के पूर्व सांसद और यारों के यार आलोक संजर मेरे साथ में हैं, मेरे भी मित्र हैं। और आलोक संजर और अनुराग उपाध्याय की कविताओं की दोस्ती है, ये कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आलोक को कविताएं लिखने का बहुत शौक है। आलोक जी, ये जब सांसद रहे, 5 साल दौड़ भाग, शाम दिल्ली में, सुबह भोपाल में, तब कविताओं को लिखने का मौका मिला? कवि तो अनुराग है, मैं तो वीक हूँ लेकिन कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ, जो घटता है उसको लिखने का प्रयास करता हूँ। आप तब से लिख रहे हैं कुछ पहले से ही, शुरू बचपन से ही थोड़ा सा लिखने का शौक रहा, छोटी छोटी 4 लाइनें लिखना। कभी तो कहते हैं तुगबंदी करना, वो एक मेरे को अच्छा लगता रहा और कुछ लिखता रहा, तो वस्तुतः वो एक मेरे जीवन में अंग बन गया। अब समय है, अब तो लिखने का समय अभी भी मिलेगा। अभी भी लिख रहा हूँ, समय तो हमेशा ही रहा है, समय को निकालना पड़ता है। एक किताब लिखी जा रही थी कि जब सांसद बनता है तो कैसे प्रलोभन आते हैं उसके सामने, क्या क्या होता है। आपने सबसे पहले इसका खुलासा किया था सांसद बनते ही कि दिल्ली में पूरी गैंग घेरने के लिए आ जाती है। और इस बार जब संसद के भीतर सेंट्रल हॉल में बैठे मोदी साहब थे, उन्होंने उसका जिक्र भी किया? नहीं, वस्तुतः जब मैं नया नया सांसद बना था तब जरूर कुछ लोग ऐसे आए जिनको मैं नहीं पहचानता था, और उन्होंने स्टेशन पर ही मुझे बोला कि आपके लिए हमने व्यवस्था करी। मैंने कहा आप कौन हो, मैं जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने तरह तरह के अपने रिश्तेदारी मुझसे बताई, मेरे मामा का उन्होंने उल्लेख किया, मैंने अपने कज़न ब्रदर को फ़ोन करा कि मैंने कहा ये व्यक्ति मुझसे मिलने आए हैं। मैं सीधे जाके अपना MP भवन गया,
आज नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैंने आग्रह करा कि मैं होटल में रुकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तब सांसदों को अशोका होटल में रुकवाया गया था। तो नरेंद्र सिंह जी मेरा नेचर जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आलोक को, उन्होंने बोला कि एक छोटा सा कमरा आलोक को दो, बाद में फिर जैसा खाली हो तब दे देना। तो मैं पूरे 6 महीने जो बाकी लोग तो होटलों में रुके, मैं एमपी भवन में ही रुका और उसको मुझे लाभ भी मिला। लेकिन वहाँ रुकने के बाद मेरे को समझ में आया था, जब पहली जब लोगों की जब मुलाकात हुई तो बड़े बड़े होटलों में ले आने की बात कर रहे थे, फॉर्म हाउस ले आने की बात, बड़े बड़े खेल होते हैं वहाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना। अच्छा वस्तुतः मैं आपको अनुराग भाई ईमानदारी से बताऊँ, जब पहली बार जब पार्षद बना था तब भी कुछ लोग ऐसे लोग आए थे जो मेरे से कह रहे थे कि आज हम डिनर आपके साथ को बाहर कराएंगे। तब मैंने कहा था आप मेरे घर भोजन करोगे मुझे आनंद आएगा, अपने घर भोजन कराओगे तो आनंद आएगा, मैं होटलों में खाने का आदि नहीं हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे 29 साल हो गए मैंने पिक्चर नहीं देखी है, क्योंकि मैं अलग तरह का कुछ, मेरे को लगता है कि 3 घंटे भी क्यों बर्बाद करना और पैसे को भी क्यों बर्बाद करना। आलोक संजय अलग तरह के आदमी है, आपने 5 साल साथ काम किया एक अलग तरह के प्रधानमंत्री के साथ, एक अलग तरह के आदमी के साथ, कैसा इनोल सांसदों के साथ व्यवहार रहता था मोदी साहब का? निश्चित रूप से मोदी जी बहुत ही अलग तरह के, उनका विजन है उसको समझ पाना बहुत कठिन काम है। एक बार हम सांसदों की, उन्होंने सेंट्रल में मतलब हमारे जो कॉमन मीटिंग होती संसदीय दल की बैठक थी उसमें उन्होंने बोला था, तो जब वो भाषण दे रहे थे तो कुछ सांसद लोग उनका वीडियो बना रहे थे, टेप कर रहे थे। तो उन्होंने जब भाषण ख़त्म हो गया और अपनी जब चेयर पर बैठ गए और संचालन कर रहे थे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, तो वेंकैया नायडू जी जब आभार बोलने के लिए आए तो मोदी जी ने उनको रोका, मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। फिर लौट कर आए, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था जब मैं बोल रहा था तो बहुत सारे सांसद लोग मेरे वीडियो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम जो है ये समाचार देने का काम जो है, जो भी काम है वो पीएमओ के माध्यम से होता है और आपको नहीं करना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे बगल में जो बैठे हुए सांसद बना रहे थे, लेकिन डर मुझको ये लग रहा था कि ऐसा लग रहा था मुझे बोल रहे हैं, तो इतनी बेबाक तरीके से काम करना। दूसरा बहुत सारे प्रश्न उनके हमारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन मैंने अपने आप से उनको बताया, भोपाल की आपसे उदाहरण बताता हूँ आपको कि मैंने लोगों ने एक बार प्रश्न खड़ा किया, ये प्रश्न आज भी लोग करते हैं, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न का जवाब भी देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वहाँ पर कोठी है प्रधानमंत्री जी की, क्या वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकते, क्यों वो गुजरात में रखते हैं? ये प्रश्न मेरे मन में भी बार बार जन्म लेता था, लेकिन जब मैं सांसद बना, बनने के बाद मेरे परिवार में मेरे ही रिलेटिव्स ने आके मुझे काम बताया और जब मैंने उस काम को देखा और मुझे फ़ोन करने के लिए कहा गया तो मुझे लगा ये गलत काम करवाना चाहते हैं मुझसे मेरे, लेकिन बहुत ही पारिवारिक नज़दीकी रिश्तेदार हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरी बात नहीं हो पाई है, 2-3 बार मैंने उनको टाला, अंततः मेरी माँ के पास चले गए और मेरी माँ को बोला कि बताओ एक छोटा सा फ़ोन नहीं लगा रहा है वो। मेरी माँ ने मुझको बोला कि बेटा क्यों नहीं फ़ोन लगा देते हो, रोज परेशान हो रहे हैं वो। तो मुझे समझ में आया कि मोदी जी कितने बारीक इंसान हैं, कि ऐसा परिवार का कोई व्यक्ति भी उनके नाम का, उनके पद का दुरुपयोग ना करे। मतलब सच में कौन अपनी माँ से प्यार नहीं करता है, लेकिन वो माँ से ज़्यादा अपने राष्ट्र भारत माँ को प्यार करते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मेरे सामने हैं, तो उनका विज़न अलग तरह का है। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे भोपाल के बारे में आपने उनसे कभी चर्चा की होगी, तो कहते हैं कि वो पहले से अध्ययन करके रखते हैं सारी चीज़ों का। निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी सांसद खड़ा हो जाए और किसी भी सांसद का नाम ले दे, बिना कोई कागज़ उठाए मैं उसका पूरा बही खाता रख दूंगा। ये उन्होंने सभी सांसदों के बीच में ये बात कही थी। तो निश्चित रूप से वो एक एक सांसद के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में चिंतन करते हैं। आपको याद हो एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और पहला क्वेश्चन करने का मुझे ही अवसर मिला था, तो तब भी उन्होंने जो बात कही थी, हमने जो प्रश्न किया था, मुझे लगता है कि उस प्रश्न का इतना सकारात्मक उत्तर उन्होंने दिया था, उससे पूरे देश को लाभ मिला होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विज़न क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम यदि सांसद बनने के लिए सांसद नहीं बने कि हम हवाई जहाज में एग्जीक्यूटिव क्लास में जाएंगे, एसी फर्स्ट में ट्रेन में जाएंगे। उन्होंने ये बात कही थी कि आप सबको जो सुविधाएँ मिल रही हैं, देश के आमजन का हक काट कर आपको दिया जा रहा है, इसको अदा करना सीखो। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सांसदों के बीच में हमेशा ये बात रखना चाहते थे कि आप राजनीति को सेवा नीति में परिणित करो, आप देश के लिए इस काम करो, आप अपने समाज के लिए काम करो, अपने कॉन्स्टिटेंसी के लिए काम करो। और इसलिए आदर्श गांव जो उनका कॉन्सेप्ट था, व्यक्ति है, हाँ, आदर्श गांव का जो कॉन्सेप्ट था उसको बार बार वो इंसिस्ट करते थे कि देखो आदर्श गांव जो कहा है, हमने जो आपको प्लान दिया है इसको प्लान करो। अकेला एक गाँव आदर्श नहीं बनता था, एक गाँव जो आदर्श बनता था उसके आसपास के अन्य गाँव भी आदर्श बनते थे। एक चीज और थी, अब आप फ्री हैं, अब आप मध्य प्रदेश में, अब आप सांसद नहीं है, मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है?
मैं ये कहूँ तो आज की तारीख में बहुत बड़ा मैं नेता तो नहीं है, साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, आम जन की बात ही मैं आपको कहता हूँ, लोगों के बीच में संघर्ष किया है आपने, जो लोगों के बीच में आज की तारीख में चर्चा आ रही है। देखिए कि वर्तमान सरकार टोटल फेलियर सरकार है, मैं किसी पर दोषारोपण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था आप देख लो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। आज यदि हम कहें तो शिवराज जी का कार्यकाल अभी 3 महीने था, 3 बल्ले मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं थी, तब लाइट की बिजली की समस्या नहीं थी। वो तो कह रहे हैं कि शिवराज जी खराब ट्रांसफार्मर खरीद के देगा जिसको हमें भोगना पड़ रहा है। मैं कह रहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अब तो यही तो आप कहोगे ना, लेकिन शिवराज जी के समय वो ट्रांसफार्मर खराब नहीं थे। कहते सारे अधिकारी शिवराज जी के हैं, सारे अधिकारी बीजेपी के हैं, बीजेपी वाले ऐसी लाइन काट देते हैं। वो अधिकारी कभी भी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, अधिकारी तो सिर्फ अधिकारी होता है, बल्कि राजनीतिक के लोग कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसका वो हो जाता है। हमारे लोग अभी कह रहे देखो ये कल अधिकारी अपने साथ घूमता था, आज देखो उनके काम कर रहा है, ये जब इसका एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं ये कहना सरकार में आना बहुत आसान काम है, लेकिन सरकार को चलाना बहुत कठिन काम है। अभी मुझे आज ही मालूम पड़ा कि अभी 1,000 करोड़ रुपए का फिर आज कर्ज ले रही है सरकार, ओवरड्राफ्ट कर रही है। तो बेसिक हम कहाँ ले आना चाहते हैं। शिवराज जी के टाइम पे जो योजनाएं चल रही थी, गरीबों के हितार्थी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को आप बंद कर रहे हो। शिवराज जी उसको बखूबी चला रहे थे, बिजली पूरी दे रहे थे, सारी समस्याएं कोई नहीं थी। आज आप देख लीजिए दो ही चीज़ें दिख रही हैं, एक तो ट्रांसफर उद्योग दिख रहा है, सामने दिख रहा है, दूसरा पावर कट दिख रहा है। बेसिक हमारे को मेरा ये कहना है कि आपके मंत्री आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आप 74 बंगले में चले जाओ, वहाँ पे कोई इंसान ऐसा कांग्रेस का मंत्री जिसको बंगला अलर्ट हुआ और वहाँ पे रंग रोगन में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो रहे हो, अच्छा खासा बाथरूम बना है उसके सारे टाइल्स तोड़ डाल रहे हो, अच्छा खारा गार्डन था उसको दोबारा तोड़ के फिर बना रहे हो, सारी दीवारें तोड़ रहे हो, क्या मतलब है, सारे दरवाजे बदल रहे हो। आती हुई ना शायद, देखिए मैंने कहा ना कि अपने सुख के लिए राजनीति नहीं होती, राजनीति होती है जनता के सुख के लिए। पुराने राजा महाराजा लोग हुआ करते थे तो भेष बदल कर जनता के बीच में घूमते थे कि उनके क्या कष्ट है, और भेष बदल कर फिर आके जब सिंहासन पर बैठते थे। सांसद थे कमलनाथ जी भी, सांसद थे उस दौरान, कैसे क्या व्यक्ति लगे आप? नहीं अच्छे लगते हैं, कभी किसी के बारे में मैंने ऐसा नहीं, उनका मैंने जो आकलन किया अच्छे, लेकिन कमलनाथ जी भी मैं बोल रहा हूँ, कमलनाथ जी भी लोकसभा में उनकी उपस्थिति आप देखोगे रिकॉर्ड निकाल के तो बहुत कम रही है, वो कम आते थे क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो तो अपना खुद का काम भी अपना बढ़िया करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मैं इसमें कोई टिका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सरकार अच्छी नहीं चल रही है। आज भविष्य में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनका विज़न बहुत अच्छा है, उनकी वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छी है, भविष्य में मालूम पड़ेगा, लेकिन वर्तमान समय में मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल बद से बदतर स्थिति मध्य प्रदेश की है। मेरे को लगता है कि जो एक बीमारू राज्य की जो गिनती हुआ करती जिसको शिवराज जी ने बाहर निकाला, आज मुझे लगता है कि प्रदेश हमारा फिर वापस उसके कदम जो हैं पीछे जा रहे हैं, बैक हो रही है। आप सांसद नहीं हैं लेकिन नेता हैं, लोग आपके टच में हैं, शिकायतें आपके पास आती हूँ, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है मध्य प्रदेश में, लोग क्या दिक्कत आ रही है, खास करके भोपाल में क्या समस्याएं आ रही है? भोपाल में कटाव बिजली कट देखी ना आप, बल्कि एक और जो समस्या मुझे भी आई कि अभी जो अपना स्लम्स एरिया है, जुग्गी क्षेत्र जहाँ पर है, वहाँ लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, वहाँ पे जो नहीं होना था वो जब राजनीति में जो सब होता है वहाँ सब हुआ, सब तरह तरह के प्रलोभन वहाँ पे दिए गए, लेकिन मतदाता ने, झुग्गी मतदाता ने भी भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, वो सब बूथ वो कांग्रेस हार गई। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिली वो मुझे दुख हुआ कि मुझे लोगों ने आके बताया कि रात को रोज कटआउट लोग निकालते हैं कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया इसलिए अंधेरे में रहो, गर्मी में रहो। क्या ये करना चाहिए क्या? मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ, बल्कि नेताओं को चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को चाहिए। लेके आए कि साहब बीजेपी के लोग हैं वो लाइट काटने के लिए बोलते हैं और एक ऑडियो ला के जारी कर दिया। नहीं मैं देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैंने जो कह रहा हूँ कि हमारे मेरे नीचे का अधीनस्थ काम करने वाला कार्यकर्ता यदि गलत काम कर रहा है और यदि मैं उसको प्रशय दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि जनता तो देखती है ना कि आज मैं परेशान है, आज मेरा छोटा सा बच्चा है, बच्चे का एग्ज़ाम है, लेकिन रात को लाइट नहीं है, सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, दिन भर मजदूरी करता है, रात को आप उसको कष्ट दे रहे हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उस गरीब से गरीब व्यक्ति की आप सेवा करो, ये पूजा है, मंदिर मत जाओ, और यही एकाध मानव दर्शन में भी मंदिर मत जाओ। बहुत अच्छी बात की, अभी आप साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ जगह जगह घूमे, दिग्विजय सिंह जी बहुत मंदिर घूमे। मैंने कहा ना कि
मंदिर जाना चाहिए, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, आराध्य देवता के प्रति आराधना करनी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं मन को और मस्तिष्क को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। लेकिन एक बार यदि आप बहुत भूखे हो, आपको बहुत कष्ट भूख लग रही है, दो दिन से भोजन ना मिला और अचानक आपके सामने भोजन की थाली आ जाए और कोई दूसरा भूखा आ जाए, तो आप क्या करोगे? यदि अपना भोजन आपने उसको दे दिया तो आपकी भूख जरूर नहीं मिटेगी, लेकिन आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी कि मैंने एक अच्छा काम किया। और राजनीति में यही करने की आवश्यकता है कि हमारी भूख बनी भले रह जाए, लेकिन किसी और की हम सेवा करके जो संतुष्टि हमको मिलेगी, वो संतुष्टि यदि हमने प्राप्त करी तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। दिग्विजय सिंह जी की क्या दिक्कत आई, उनको वोट क्यों नहीं मिल पाए? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो अपना कार्यकाल था और 10 साल में जो मध्य प्रदेश ने जो देखा, वो लोगों के दिमाग से निकला नहीं। एक जो उनकी छवि बन गई थी, उस छवि को लोगों ने बिल्कुल नहीं सराहा। उनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि मध्य प्रदेश में भोपाल में फिर आकर दिग्विजय सिंह जी जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 10 साल में किया हुआ था वो करेंगे। और दूसरा, कांग्रेस जो है संगठन नहीं है, वो गुटों में बटा हुआ संगठन है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भी एक अंधेरे के तीर जो लोगों ने निकाल के डाले थे, वो जो आ रहे थे कहीं कहीं से, चुभ रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, वो सब दिग्विजय सिंह जी का उसका भूल चुक लेने सारे सब लोगों ने अपने हिसाब किताब किए। लगातार सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक संजर जी को। आलोक जी, आप स्टूडियो में आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।